हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले मॉडल के साथ कंज्यूमर बिहेवियर के, जो कि है एंगल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। इससे पहले मैं इकोनॉमिक मॉडल और निकोसिया मॉडल कर चुका हूँ, जो कि प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो। उसके अलावा बाकी मॉडल्स भी होपफुली जल्दी ही हो जाएंगे। एंड इसके अलावा हम लोग एग्ज़ाम्स में लाइव सेशंस वगैरह भी करेंगे। उसकी अपडेट्स वगैरह के लिए डू सब्सक्राइब एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो ताकि मिले। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख रहे थे आज का, कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। ये मॉडल काफ़ी आसान है, लेकिन समझने की ज़रूरत इसमें भी पड़ेगी। एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि कंज्यूमर बिहेवियर के जितने भी मॉडल्स हैं, ऑल दो उनकी थ्योरी काफ़ी आसान है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, लेकिन जो उनके भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं उनको देख के ज़्यादातर डर लगता है या फिर समझ नहीं आता। तो मैं जितने भी वीडियोस कर रहा हूँ उसमें मैंने जितने भी उनके डायग्राम्स वगैरह जो भी चार्ट वगैरह होगा उसको कोशिश हम लोग ये करते हैं कि आसान पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ताकि उनका अगर बेसिक मतलब समझ आ गया तो मेन तो अपने आप हो ही जाएगा। ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एंजल कॉलेट ब्लैकवेल के साथ। एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल, यानी कि EKB मॉडल बोलूँगा मैं हर जगह, अब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये मॉडल 1968 में हम लोगों का डेवलप हुआ, 1968 में हुआ था, मतलब कि ये निकोसिया मॉडल के बाद आया। निकोसिया मॉडल के बाद आया तो डेफिनेटली ये निकोसिया मॉडल की एक इम्प्रूवमेंट था, बेटर था। निकोसिया मॉडल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बेसिकली कैसे एक कंज्यूमर एक्सपोज होता है मार्केटर के थ्रू, जिसमें उसको अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको इवैल्यूएट वगैरह कहता है, डिसीजन लेता है और अल्टीमेटली परचेज करता है या नहीं करता। वहाँ पे कोई भी हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह की बात नहीं करी थी, लेकिन जब हम EKB में आ गए इसने एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी बात करी। ये एक डायनामिक मॉडल था, ठीक है। इसके बारे में ये भी बोला गया, जो EKB मॉडल था वो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था टू सेव एज फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी फास्ट ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर आज की डेट में तो काफ़ी डेवलप है, लेकिन जब हम 1968 की बात कर रहे थे तब इसने एक बेसिक तरह का फ्रेमवर्क बताया गया था। तो एक तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि 1968 में EKB ही मेरा अल्टीमेटली कंज्यूमर बिहेवियर था, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके अलावा EKB एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग मॉडल भी है कंज्यूमर बिहेवियर का। इसके अलावा जो हम EKB के बारे में बात करेंगे, EKB बेसिकली बोलता है कि कोई भी परचेज वगैरह कुछ भी करने से पहले जो कंज्यूमर होता है वो 4 से 5 स्टेप्स के थ्रू वर्क करता है। कहीं जगह 4 दिया हुआ है, कहीं जगह 5 दिया हुआ है, वो चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आप 4 लिखो तो 4 में क्या लिखोगे और 5 लिखो तो 5 में क्या लिखोगे, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, EKB मॉडल को मैंने डायनामिक इसलिए भी बोला क्योंकि EKB कभी भी ये नहीं कहता कि हमेशा वो 4 या 5 स्टेप्स फॉलो होंगे। अकॉर्डिंग टू आर नीड हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, कि जैसे कि मेरी कोई इमरजेंसी वगैरह पड़ गई, किसी चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता, सीधे जाके परचेस कर लेता हूँ। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह को प्रोसेस करना ज़रूरी है, जैसे कि मैं कोई कार वगैरह ले रहा हूँ, महंगी कार ले रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, तो वहाँ पे मैं जनरली ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 5 प्रोसेस या 5 स्टेप्स होते हैं जिससे में हमारा निकोसिया मॉडल बना है, तो उसको लेके चलते हैं। डायग्राम देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, बट इसको हम स्टेप बाई स्टेप लेके चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो मैंने ऊपर ब्लू पेन से किया है, ये मेरे मेन 5 स्टेप्स है, जिसको फर्दर मैंने नीचे डिटेल में किया हुआ है, जो कि एक्चुअली में पूरा मॉडल है। सबसे पहले हुआ इनपुट। इनपुट का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहीं से आई। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात करूँ तो बेसिकली जो मार्केटर्स के स्टिमुलाय के कारण होगा उससे आएगी। तो मार्केटर्स कैसे हमसे करेंगे इंटरेक्ट, या तो हम TV पे एड्स वगैरह देखेंगे, रेडियो देखेंगे, न्यूज़पेपर, वर्ड ऑफ माउथ, या वहाँ कहीं से उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, उस इनपुट के बेसिस में मैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करूँगा, भाई उसे देखूँगा, कुछ याद रखूँगा, कुछ भूल जाऊँगा, उसके हिसाब से जज करूँगा, कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी पे चली जाएगी। उसके बाद फर्दर जैसे कि मेरे पास कहीं पे वो दिमाग के कहीं हिस्से पे पड़ी है, एकदम से कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगी, उसके बेसिस में मैं डिसीजन लूँगा कि मेरे को प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना।
लेकिन जो मेरा डिसीजन होगा उसमें बाकी वेरिएबल्स भी तो होंगे भाई, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरे मोटिव्स क्या है, मेरे इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, वो सारे मेरे आगे के दोस्त में दिए। निकोसिया और एंजल कॉलेट वाले मॉडल में यही डिफरेंस है। जो मेरा निकोसिया था, निकोसिया ने इन सारे इनकी बात ही नहीं करी थी एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह की। उसने क्या बोला कि बस मार्केटर्स का स्टिमुलाई हुआ, उसकी से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन को मैंने प्रोसेस किया, डिसीजन लिया और वो काम आगे चलने लग गया। जबकि इसने बोला कि हमें इन सब को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली हम अपने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं इसका डिटेल में। देखो ये मॉडल देखने में बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, बट याद करोगे बहुत आराम से हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इनपुट बोला, इनपुट में क्या है, स्टिमुलाई फ्रॉम मार्केटर्स, यानी कि सिंपली एड्स जो हम टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, वर्ड ऑफ माउथ वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी पहले ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन से जब मैं एक्सपोजर यानी कि एक्सपोज हुआ, मैंने इसमें अटेंशन दिया, अटेंशन के बाद मैंने उसको कॉम्प्रीहेंड किया, एक्सेप्ट किया और थोड़ा सा रिटेन किया, जो कि मेरी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं पर चला गया। आगे ये वाली चीज़ भी समझ। उसके बाद मैं डिसीजन पे गया, भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम मिली, जैसे कि मैं डेली जैसे कि यहाँ से ऑफिस जाता था, मेरे को लगा कि मेरे को बाइक की ज़रूरत है, मैंने कहीं देखा बाइक की, मेरे को लगा कि कोई व्हीकल की ज़रूरत है, मैंने प्रॉब्लम रिकग्नाइज करी। प्रॉब्लम रिकग्नाइज के बाद मैंने सर्च किया कि भाई मैं इसका सोल्यूशन क्या कर सकता, भाई कार पूलिंग कर लूँ या खुद के लिए व्हीकल ले आऊँ। मैंने यहाँ एक मान लो ऐड देखा था होंडा का, तो मेरे को वो चीज़ याद रह गई, मैं उसके बारे में सोचने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे अलग अलग वेरिएबल्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मान लो मैं जैसे कि चला जाऊँ लाइफस्टाइल्स वगैरह पे, अगर मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा वो है तो मैं कभी भी कोई स्कूटी वगैरह नहीं लूँगा, बल्कि कोई अच्छी सी महंगी बाइक वगैरह कार वगैरह परचेज़ करूँगा। वैसे ही सोशल क्लास कैसी है, मेरा रेफरेंस ग्रुप कैसा है, रेफरेंस ग्रुप मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्या वगैरह, वो चीज़ें चलेगी। उसके बाद मैं सारे ऑल्टरनेटिव्स को जज करूँगा, ऑल्टरनेटिव्स को जब जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, उसके बाद मैं अपनी चॉइस डिसाइड करूँगा, चॉइस के बाद परचेज़ करूँगा, परचेज़ के बाद अल्टीमेटली आउटकम आएगा, या तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा या डिससेटिस्फाई हो जाऊँगा। अब एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे और समझा दूँ, दो मोस्टली हमारा मॉडल यहाँ पे क्लियर हो जाता है क्या है, समझ भी आ गया होगा। दो तीन आरों में समझा रहा हूँ कि सर्च का मैंने वापस इनपुट पे क्यों लेके गया हूँ, वो इसलिए लेके गया हूँ कि बेसिकली कई बार तो ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आने के बाद मैं उसको सर्च करूँ ना कि उसका सॉल्यूशन क्या है, इसलिए मैं ये एरो को यहाँ से यहाँ पे लेके गया हूँ। उसके अलावा जैसे कि मैंने समझाया, सबसे पहले इनपुट, फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन वेरिएबल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये था हमारा निकोसिया मॉडल। अब एक चीज़ कहीं क्या बल्कि काफ़ी सारी जगह इसको 5 स्टेप की जगह 4 स्टेप देते हैं। 4 स्टेप्स में वो लोग क्या करते हैं, जो मेरा इनपुट होता है इनपुट को वो लोग हटा देते हैं, कंसिडर ही नहीं करते, और जो मेरा स्टिमुलाई होता है इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट मान लेते हैं। वो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे करोगे वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज हम लोग मेनली जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मांगती है, तो मैं हमेशा 5 फॉलो को फॉलो करता हूँ। ये था हमारा एंजेल कोलेट ब्लैकवेल मॉडल। We'll be right back.